अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश अनुसार क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर के सरोज के कुशल नेतृत्व में वांछित एवं वारंटी अभियुक्त के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना रजपुरा पुलिस टीम ने अभियुक्त सोमवीर सत्यपाल पुत्र हीरालाल निवासी महुआ हसनगंज थाना रजपुरा जिला संभल को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद कर जेल भेजा गया। ये दोनों मुजरिम 307 के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। इन दोनों लोगों ने गिरीश पाल पुत्र सोदान के भाई कुमार पाल और उसका भतीजा चौहान सिंह को अवैध तमंचों से जान से मारने की नियत से गोली मारी थी। इनके खिलाफ थाना रजपुरा में मुकदमा चल रहा था। उप निरीक्षक शिव चरण लाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन दोनों मुजरिम को गिरफ्तार किया है। 2 जून का मामला है। 2 जून को सुबह सुबह कुमार पाल को ये सोमवीर सतवीर वगैरह ने गोली मार दिया था। वो गोली मार दौरान पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल पहुंच गई और घायल व्यक्ति को तत्काल ले आई, हॉस्पिटल एडमिट की और उसे एक्सरे किया गया। एक्सरे में गोली निकली, फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत के दौरान ये जो अभियुक्त उसी 307 के मुलजिम थे जो उन्होंने कुमार पाल ने मुकदमा लिखाई थी, उस मुकदमे में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं मैं तमंचे के साथ पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, हमने उस दिन सुबह हमारी बारी बात हुई और मैंने उसी बात को लेकर गोली मार दिया था। इसमें दो आवाज़ें चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं।